एक बार फिर से खाकी की करतूत से खाकी दागदार हो गई है और उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस आरोप में पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया है। दरअसल जिन कंधों पर जनता की हिफाजत का जिम्मा था, अब वो कंधे खुद अपराध के दलदल में धंसते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हुई औरैया जनपद में सर्राफा व्यापारी के साथ 50 किलो चांदी की लूट की वारदात में कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाल और एसआई के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल अपराधियों संग लूट की वारदात में कोतवाल और एसआई भी शामिल थे। जब पीड़ित ने औरैया एसपी से इस बाबत शिकायत की तो एसपी ने इस पूरे मामले में कई टीमें गठित करके जांच शुरू कर दी और धीरे धीरे ये जांच की आंच कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाल तक पहुंच गई, जहां पर देर रात औरैया के एसपी ने जांच की और जांच में भोगनीपुर कोतवाल के कमरे से 50 किलो चांदी बरामद कर ली। साथ ही साथ एसआई और कोतवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें औरैया पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है। पुलिस की इस करतूत से पूरा महकमा शर्मसार हो गया है और अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। इस बाबत जब मीडिया का दबाव ज्यादा पड़ा तो मामला सामने आया कि लूट की वारदात में तीन अपराधियों संग कानपुर देहात के भोगनीपुर पुलिस के कोतवाल और एसआई संग एक सिपाही भी शामिल था। अब कानपुर देहात के इस पूरे मामले में एडीजी आलोक सिंह ने अपना जवाब दिया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अपराधियों के संग पुलिस की संलिप्तता इस पूरे मामले में दिखाई दे रही थी। अब देखना यह है कि पुलिस की तरफ से इन पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। चांदी लूट की घटना होती है और यहाँ में उसके बाद जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भोगनीपुर थाने के कोतवाल वहाँ के इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल है। क्या पूरी घटना होती, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? ये बुधवार की सुबह इस तरह का एक इंसिडेंट औरैया में जानकारी में आया था, जहाँ कुछ व्यापारी एक्सप्रेसवे के माध्यम से बांदा से चलकर आगरा जा रहे थे और इनसे वहाँ पर कुछ बदमाशों द्वारा गाड़ी रोकी गई और साथ में उसमें कुछ पुलिस वर्दी में भी लोग थे और चेकिंग के नाम पर इनके पास जो चांदी थी वो बलात ले ली गई। इसके बाद एसपी ने जैसी जानकारी में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया और अलग अलग तरह की टीम्स बनाई गई जो हर प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। इस टीम को सफलता मिली है, एसपी औरैया की टीम को, और आज देर रात और सुबह इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में विस्तार से एसपी औरैया द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सभी को बताया जाएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार भोगनीपुर में नियुक्त इंस्पेक्टर अजयपाल कठेरिया, उप निरीक्षक चिंतन शुक्ला, चिंतक शर्मा, कौशिक शर्मा और रामशंकर हेड कांस्टेबल, इन तीनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनके विरुद्ध कठोर विधिक और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा आईजी रेंज को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण प्रकरण में न केवल दोषी पुलिसकर्मी बल्कि उनके जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं उनकी भी भूमिका की जांच की जाए और विभागीय कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित कीजिए। जो तीन लोग और पकड़े गए ये कौन लोग हैं? इसमें हमीरपुर के कुछ लोग हैं और इस सब के बारे में डिटेल अभी थोड़ी देर में एसपी और आईया, जैसा मैंने कहा, अपनी पीसी के माध्यम से आपको सभी को उपलब्ध कराएंगे क्या क्या कैसे कैसे ये पूरे इस गैंग को क्रैक किया गया है और जो बाकी लोग साथ में पकड़े गए हैं, जो वेपन्स मिले हैं, व्हीकल मिले हैं, उस सब के बारे में वो डिटेल। पूरा माल बरामद हो गया लूटा? हाँ, इसमें जो चांदी गई थी वो पूरी चांदी इसमें रिकवर हो गई। आगे अभी कोई कार्रवाई, निलंबन के बाद कोई कार्रवाई पुलिस कर्मियों के खिलाफ? वो पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो सख्त से सख्त विभागीय और
विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। आईजी रेंज को मैंने इस संबंध में निर्देश दिया है कि ये कार्रवाई सुनिश्चित करें, और साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक अधिकारी हैं इनके, उनकी भी जिम्मेदारी, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। इसके अतिरिक्त मैंने आईजी रेंज को ये भी निर्देशित किया है कि जो थाना अध्यक्षों की नियुक्ति है उसमें संपूर्ण पारदर्शिता, और जो हेडक्वार्टर के निर्देश हैं उनका अनुपालन भी सुनिश्चित कराएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।